देखिए कॉन्सेप्ट ये है, आर्टिकल 15 में ऐसी व्यवस्था की है किसी के लिए सेक्स, जेंडर, जात पात, धर्म के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें यह धारणा 15(3) के अंतर्गत ही की गई, आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत संविधान के, कि मान जो जो सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा शैक्षणिक दृष्टि से अगर पिछड़ा है तो उसको कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है जी। आर्टिकल 16 में व्यवस्था की गई कि किसी सबको समान अवसर जो रोजगार में और एम्प्लॉयमेंट में नौकरी में मिलेगा। उसमें जो संविधान 16(4) की व्याख्या थी उस समय तो यह था कि भाई नौकरी में आरक्षण तो मिलेगा, जैसा संविधान में शुरू से संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने प्राप्त बनाया था जी। लेकिन वो यह था कि केवल एक अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में मिलेगा, प्रमोशन में नहीं मिलेगा। उसकी बड़ी बृहद व्याख्या की गई इंदिरा सानी केस में 2002 में, उसमें किया गया कि अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं तो वो एक स्पेशल रिजर्वेशन होगा। उसमें क्रीमी लेयर की बात आई कि जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उनको फिर से करने पर फिर वो जनरल क्लास की तरह ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन उसी में 95 में एक विशेष ये प्रोविजन किया गया जिसमें आर्टिकल 16(4)(a) को इंसर्ट किया गया। उसमें किया गया स्पेशल प्रोविजन, ये जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको प्रमोशन में देने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है जी। उसी के व्याख्या देखे बहुत सारे और भी बीच बीच में आए कि केवल सिंगल पोस्ट है तो उसमें प्रमोशन में या किसी में अगर रिजर्वेशन नहीं होगा नहीं तो 100% हो गया जी। कुल लबोलबाव ये निकला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का आया, विद इन क्लास और क्लास में हुआ कि माने एक क्लास के लोग हैं। उसमें ये भी व्याख्या है कि विमेन के लिए कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी की जो सर्विस है खाली अगर विमेन के लिए करना चाहे महिलाओं के लिए कर सकते हैं, 50% की जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए कर सकते हैं। ये सब सारे करने के बाद ये बात आई। उसमें देखिए एम नागराज का केस 2006 में जाया है, उसमें बड़ी बृहद व्याख्या की गई। उसमें ये कहा गया कि देखिए समेकित वो विकास के लिए और समुचित और वो जो अवसर जो विकास का है और अवसर प्राप्त करने के लिए रोजगार में, उसके लिए जरूरी है कि आप इसमें लोगों को जो प्रमोशन दीजिए उसमें ये होना चाहिए कि भाई देखिए जो प्रमोशनल पोस्ट में है उसमें 7.75 और 15% है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में। ये देखा गया पूरे कैडर में सर्विसेज में प्रमोशन में जितना संविधान में दिया निर्धारित किया गया है उतना लोग अवेलेबल नहीं हो रहे हैं जी। नीचे के कैडर में नहीं है तो भी हुआ कि अब ज्यादा लोगों की पोस्ट नीचे के कैडर में होगी और प्रमोशन में होगी और जितना निर्धारित किया जाएगा। 2006 की बात आप करें जब एम नागराज बनाम केंद्र सरकार की जो फैसला सामने आया था इस बारे में, लेकिन 11 साल बाद जब हम आज आर्थिक तौर पर आरक्षण की बात करते हैं तो क्या फिर जातिगत तौर पर आरक्षण आज भी समाज की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए जरूरत इस सेंस में है कि हम हमेशा देखिए तो कई दशक हो गया देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अभी भी इससे वंचित हैं या उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो लोग डेवलप कर गए दो, देखिए इसमें दूसरा विषमता भी उत्पन्न हो गई है। कुछ ऐसे क्लास इसमें पैदा हो गया है जिसमें आरक्षित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ही, जिसमें कि वो अगर उनका परिवार एक बार मिल गया है उसको आरक्षण, वो बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए हैं और फिर उनको मिलता जाता है उनके डिपेंडेंट्स को उनको सुविधाओं के बावजूद। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहते हैं, आज भी पिछड़े ही हैं सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो ये हमें देखा गया संविधान में जो व्यवस्था है उसमें सबको वास्तव में, देखिए रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण का ही है कि सही माने में जो शिक्षा के दृष्टि से, क्योंकि देखिए संविधान में आपके उद्देश्य का जो प्रियम्बल है उसमें जो सोशल जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, उसमें ये सबसे बड़ी अवधारणा है कि हम गरीबों का उत्थान करें। ये जो आज की गवर्नमेंट आई है उसी में समर्पित है, कहती है हम समर्पित हैं। ऐसा नहीं कि गरीबों का उत्थान नहीं हुआ, लेकिन समय से पर उनपे जो अपॉर्चुनिटी की विषमता है वो दूर की जाए, उनका स्टैंडर्ड दूर हो और इस तरह उसका जो बहुत सारे चीज जो उनके विषमताएं हैं वो आगे। सवाल वहीं पर उठता है जो प्रेमल की बात आपने की, उसमें कहा गया गरीबों का उत्थान की जाए, तो यहाँ पर गरीब को एक जाति विशेष से अगर हम जोड़कर देखते हैं तो शायद वो जो उन लोगों के साथ अन्याय हो सकता है जो किसी स्वर्ण जाति से संबंधित रखते हैं, जो उसके साथ इन विषमताओं के अंतर्गत नहीं आते। अच्छा जी, इसमें देखिए ये बहुत बड़ा एक संवाद का विषय है। ऐसा नहीं कि केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और भी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लोग ही पिछड़े हैं या सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हैं। बहुत सारे देखिए गरीबी एक ऐसी विडंबना है, वो अपने में ही एक रोग और बड़ा भारी पिछड़ापन है।
और उसको देखते हुए संवाद की जरूरत है। कुछ राजनीतिक दल या कुछ पार्टी कहती हैं कि हम ऐसे सवर्णों को भी देंगे, इसमें सबसे बड़ी बात है देखिए आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत और यम नागराज में जो सामने आ रही गवर्नमेंट के वो ये है कि देखिए मैंडेटरी नहीं है ये सांकेतिक है और ये इंडिकेटिव है और इसमें ऐसा है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कुछ कर सकती है। इसको देखते हुए बहुत देखिए और भी पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, वो स्लोगन देती रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज में जो सत्ता में जो गवर्नमेंट है जो बीजेपी के है वो सचमुच करके कुछ दिखाना चाहती है। कमला कर दी आपके पास इस तरह अमेंडमेंट करें और लोगों को वास्तव में कुछ लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है।